जैसा कि आपने कहा था, ये विद्वान हमारे साथ है, और सिर्फ मालवा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का नक्शा और हर जगह की भौगोलिक स्थिति के बारे में अच्छी खासी जानकारी है इन्हें। नमस्कार। पर छोटी रानी साहब, आप करना क्या चाहती हैं? काशी तक पहुंचने के लिए एक दूसरा रास्ता खोजना है हमें गंगोबा काका, और अगर रास्ता नहीं मिला तो नया रास्ता बनाना है। हक्का साहब, हमें तो बहुत भूख लग रही है, और बाकी सब लोग भी और कितना इंतजार करेंगे? इतने उत्साह से मंगला गौरी की तैयारियां शुरू की थी, अब तो वो उत्साह भी ठंडा पड़ गया। चार चार सासुओं को इंतजार करवा रही है ये लड़की, ज्यादती नहीं है? एक बार फिर देखाओ ना, अहिल्या कब आ रही है। से काशी जाने के लिए दूसरा रास्ता मिल गया है हमें। कच्चा रास्ता होगा, पर यात्रा करना कठिन नहीं होगा। रास्ता मिल गया है तो उसे ठीक भी करवा सकते हैं, और यात्रियों की सुविधा का इंतजाम भी हो सकता है। लेकिन ये सब तो बाद की बात है, अभी के लिए काम हो गया है हमारा। अब दोनों की मदद से बहुत बड़ी चिंता दूर हो गई। गंगोबा काका, अब आचार्य जी से कह दीजिए कि शाम के भोजन के बाद वो काशी के लिए रवाना हो सकते हैं। और वो जब इस पहाड़ी इलाके में पहुंच जाएंगे तब तक तो सुबह हो चुकी होगी,
इसलिए शाम को वो किसी गांव के सराय में या फिर धर्मशाला में रुक जाएंगे। जड़ी बूटी लाकर दवा बनाऊंगा ना, तभी तो तुम्हारे साथ चलूंगा। जी वैद्य जी। मंजुला की हालत देखकर मैं भी बहुत घबरा गई थी अहिल्या, बार बार बचपन के दिन को याद कर रही थी। अहिल्या, अगर तुम नहीं होती तो आज मैं न जाने कहाँ होती। पिलाजी जैसा कोई राक्षस आ ही जाता हमारी गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाने, हमारी इज्जत का सौदा करने। ऐसा कभी नहीं होगा। पर अहिल्या ऐसा ही होता है, ना तो गरीब की जिंदगी का कोई मोल होता है और ना ही गरीब की बेटी की इज्जत का। पिलाजी जैसे लोगों की कमी नहीं है जो जमीन और रकम के बदले लड़कियों की आबरू से। ऐसे लोग हमारी मालवा में नहीं रहेंगे सरशा। इन हैवानों को उनकी किए की सजा देनी होगी, और ऐसी सजा जिसे देखकर कोई और कभी भी ऐसी हरकत करने की सोच भी ना सके। क्या ऐसा हो सकता है तुम इन गिरे हुए लोगों को सजा दे पाओगी? पर अहिल्या, पिलाजी तो गुनों जी के मामा हैं। कोई भी हो, एक औरत की मान सम्मान पर बुरी नजर रखने वाला माफी के लायक नहीं होता सारजा। किसी बेबस लड़की की इज्जत पर हाथ डालने वाले के हाथ काट देने चाहिए। और मुझे मंजुला के बारे में मालूम था, मैंने बात भी की थी धनाजी काका से, लेकिन ये मामला इतनी जल्दी इस हद तक पड़ जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने कुछ सिपाही भी गांव में भेजे थे, लेकिन जब तक वो गांव में पहुंचते उन्होंने पिलाजी पाटिल को गांव से बाहर जाते हुए देखा, और उनको पिलाजी पाटिल के खिलाफ कुछ सबूत नहीं मिल पाया। मंजुला और उसका परिवार भी इसी बात से डर रहा है कि अगर उन्होंने पिलाजी के खिलाफ शिकायत की तो वो उन्हें और परेशान करेगा। सारजा, मुझे कुछ भी करके पिलाजी पाटिल को रोकना होगा। कैसे करना है, क्या करना है, ये सब तय करने से पहले मुझे कुछ सिपाही मंजुला के घर के बाहर तैनात करने होंगे, ताकि पिलाजी पाटिल कभी हिम्मत ही नहीं करेगा, क्योंकि अपने खिलाफ तो सबूत वो भी नहीं देना चाहेगा ना। चलो बस आज रात की बात, कल से मंजुला को डरने की कोई जरूरत नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।